उज्जैन के चिमनगंज पुलिस ने तस्करी करने वाले तस्करों से किया था करोड़ों रुपए का सांप जब्त। उज्जैन के चिमनगंज पुलिस ने तस्करी करने वाले तस्करों से करोड़ों रुपए कीमत का सांप जब्त किया था। तस्करी के दौरान और जब इस सांप की पुलिस ने जांच की तो कई खूबियां पाई गई। जांच के दौरान सांप कई प्रकार से उपयोग में किया जाता है, इसलिए तस्करों की यह पसंद है। यह सांप भारत ही नहीं अन्य देशों में भी तस्कर करते हैं। इस तस्करी के माध्यम से भेजने वाले सांप जब्त किए और वन विभाग के अधिकारियों के हवाले किया जाएगा। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जैसा कि उज्जैन पुलिस ने एक तस्करी के दौरान जो सांप जब्त किया है तस्करों से, क्या खूबी रहती है इस सांप की और क्यों इसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा रहती है और क्यों ये तस्करों की पसंद बना हुआ रहता है? थाना चिमनगंज के अंतर्गत अभी एक कार्रवाई हुई थी जिसमें एक रेड सेंट बोआ नाम का स्नेक सांप सीज हुआ था। उसको जो तस्करी करने वाले 4-5 लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था और ये एक ऐसी स्पीसीज है जो काफ़ी रेयर है और इसका कई बार जो तस्कर है वो कई अन्य उपयोग में मेडिकल या अन्य इस प्रकार के जो मैथोलॉजिकल उपयोग इसके बहुत सारे हैं, इसलिए इसकी जो मार्केट में वैल्यू भी ज़्यादा रहती है और चूंकि रेयर और विलुप्त होने वाली प्रजाति है इस कारण से इसको कई बार न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। तो इस कारण से इसकी जो कीमत भी मार्केट में ज़्यादा रहती है और इसी को लेकर के कई बार इस प्रकार के रैकेट्स आते हैं जो इस तरह के जो रेयर स्पीसीज का तस्करी करते हैं। सर, अब इस सांप को किस प्रकार से रखरखाव किया जाएगा, किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा और किस प्रकार से सुपुर्द किया जाएगा, क्या रहेगा? इसमें बेसिकली जो कानून, चूँकि पुलिस ने इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की है, तो इसमें जो उसको फॉरेस्ट को इसमें सुपुर्द किया जाएगा ताकि उसका जो कोर्ट के माननीय न्यायालय की अनुमति से इसमें फिर जो अग्रिम कार्रवाई है वो भी जो जंगल में छोड़ने वाली कार्रवाई है वो भी कराई जाएगी और साथ में फॉरेस्ट का इसमें मदद ली जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।